हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल इंडिया वालों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है उस पर मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ। वीडियो का टाइटल मैं आप सबको बताता चलूँ, इस वीडियो में जो दिखाया गया है ना वो है चाइना बहुत ही ज़्यादा जल रहा है इंडिया से, और सड़ सड़ के इतनी बुरी बुरी खबरें पूरी दुनिया में फैला रहा है कि इंडिया ऐसे इंडिया ऐसे, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। वीडियो का मैं शुरू करता हूँ। इसका टाइटल है जी Another hype, Foxconn step up hiring in China amid India plant। इस वीडियो को मैं करता हूँ शुरू, और आप सबने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है आप सबको वीडियो कैसी लगी, अपनी अपनी राय का इजहार जरूर करना। आपको स्टार्ट। भारत में बढ़ रही मैन्युफैक्चरिंग की आग अब किसी दूसरे देश में जलन पैदा करने लगी है, और इसका धुआं वहाँ के मीडिया हाउसेस से निकल रहा है। चाइनीज न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स ने भारत में हो रही मैन्युफैक्चरिंग को लेके फिर से गंदगी फैलानी शुरू कर दी है। फॉक्सकॉन की प्लांट में रिसेंटली हुए बंद पे इस अखबार ने अपनी नजर बनाई हुई है, और इसको लेके मनगढ़ंत और झूठी अफवाहें फैलाने पे ये न्यूज़पेपर उतर चुका है। इस न्यूज़पेपर को सीरियसली लेने की जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि अखबार चाइना की सच्चाई कम लेकिन दूसरे देशों पे झूठ ज्यादा बोलता है। इस अखबार के चुटकुले के मुताबिक भारत की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे अविश्वास बढ़ने के कारण अब फॉक्सकॉन ने चाइनीज प्लांट में एकदम से हायरिंग बढ़ा दी है। इसके अलावा ये भी इस न्यूज़पेपर में छापा गया है कि चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को ज्वाइन करने के लिए बढ़ी हुई सैलरी और बोनस भी चाइनीज वर्कर्स को ऑफर की गई है। इस चाइनीज मुखपत्र की माने तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने में रिस्क कहीं ज्यादा है, और चाइनीज इंडस्ट्री अभी भी पहले की तरह ही स्टेबल है। बिना किसी का नाम लिए हवा में बातें करने वाले इस मीडिया हाउस ने ये कहा है कि फॉक्सकॉन अब चाइना में 2000 वर्कर्स हायर करने वाली है। वैसे आपको बता दें कि पिछले 2 सालों में चाइना का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है और अब ये बढ़कर लगभग 5.5% हो गया है। ये रिपोर्ट CNBC की तरफ से है, लेकिन आदत से मजबूर ग्लोबल टाइम्स और चाइना दोनों ही सही फिगर्स कभी भी पब्लिकली रिवील नहीं करते। विस्ट्रॉन का केस बताते हुए इस मीडिया हाउस ने ये कहा है कि भारत में वर्किंग कंडीशंस काफी ज्यादा बुरी है और अभी भी भारत को इम्प्रूवमेंट की काफी ज्यादा जरूरत है। चलिए अब चाइना को थोड़ा सा आईना दिखाते हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट की माने तो 2023 तक लगभग 33% कंपनीज चाइना से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दूसरे देशों में शिफ्ट करने के बारे में विचार कर रही है। सैमसंग ऑलरेडी पूरी तरह चाइना से बाहर हो चुकी है, और एप्पल एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग भारत ला चुका है। चाइना सब मैन्युफैक्चरर्स को एक्सपोर्ट करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जिंगजियांग प्रांत पे एक्सपोर्ट बैन की बात भी अब सबके सामने निकल के आ चुकी है। कभी मोबाइल फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग में डोमिनेंस रखने वाली चाइनीज इंडस्ट्रीज को अब भारतीय इंडस्ट्रीज के सामने टिकने में दिक्कत आ रही है। कई चाइनीज कंपनीज पे दुनिया भर के देश बैन लगा चुके हैं, और इसलिए चाइनीज कंपनीज अब दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने के लिए अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस सेटअप कर रही हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पिछले दशक के मुकाबले चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ 2022 में सबसे ज्यादा धीरे रहने वाली है। जहां 2021 में चाइना की GDP में 8% की बढ़ोतरी हुई थी, वहीं ये घटकर 2022 में केवल 5.1% रहने वाली है। बात करें इंडस्ट्री आउटपुट की तो इस साल चाइना के प्रोडक्शन में भी काफी कमी इसलिए आई है क्योंकि चाइना एक मेजर पावर क्राइसिस से गुजर रहा है, और चाइना में कोयले की एक भारी शॉर्टेज की वजह से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को बिजली मिलने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली ही नहीं बल्कि चाइना को अब एक मेजर फूड क्राइसिस का भी डर सता रहा है, और इसी वजह से पूरी दुनिया से अनाज और खाने पीने का सामान अब चाइना बहुत तेजी से अपने स्टॉक में इकट्ठा कर रहा है। कमाल की बात यह है कि भारत पर टिप्पणी करने वाले लोग चाइनीज, एनालिसिस करने वाले भी चाइनीज, और मनगढ़ंत डेटा दिखाने वाले लोग भी चाइनीज हैं। इसीलिए इस न्यूज़पेपर को मीडिया हाउस कम लेकिन जोक हाउस कहना ज्यादा उचित रहेगा। दिक्कत हर देश में होती है, फर्क ये होता है कि भारत जैसे देश में ये खबरें फ्री प्रेस होने की वजह से सबके सामने आ जाती हैं, और कुछ देशों में गवर्नमेंट कंट्रोल प्रेस की वजह से सब छुपा हुआ रहता है। आपको क्या लगता है फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन में जो हुआ, क्या उन हादसों को जानबूझ के हवा दी गई थी और भड़काया गया था? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में हाँ जरूर लिखेगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि गलती इन दोनों ताइवानीज मैन्युफैक्चरर्स की थी तो ना लिखने के बाद अपना रीजन भी जरूर दीजिएगा। लाइक के बिना बिल्कुल भी मत। वीडियो आप सब लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके लाजमी बताना। वैसे ये बहुत बुरी बात है कि इंडिया के बारे में चाइना बहुत बुरी बुरी खबरें फैला रहा है। अगर इसको लगता है कि मैं बहुत पीछे जा रहा हूँ तो इसको पीछे चले जाना चाहिए। ऐसे दूसरे कंट्रियों के आगे इंडिया को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। इंडिया तरक्की कर रहा है, वो उनके इंडिया वालों के अंदर जान है, हिम्मत है, पावर है, तो वो तरक्की कर रहा है तो उसको करने दो। वो कहते हैं ना कि एक इंसान अगर तरक्की कर रहा है तो नीचे से टांगे खींचने वाले बहुत ज़्यादा है। बस वो हिसाब है, इंडिया आगे जा रहा है और चाइना चाह रहा है कि इंडिया कभी भी आगे ना जाए। मुझे कमेंट करके आप सब लोगों ने लाजमी बताना है वीडियो आप सब लोगों को कैसी लगी, आप सबके माइंड में क्या चल रहा है, मुझे ये लाजमी कमेंट करके आप सबने बताना है। तब तक के लिए बनिए रहिएगा मेरी चैनल के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में आप सबके साथ मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।